Welcome friends, I am Pushpan Dhakad and welcome to Fly High Academy. इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ फ्यू अ फ्यू द फ्यू यूज ऑफ फ्यू अ फ्यू और द फ्यू मतलब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो लिटिल अ लिटिल और द लिटिल था उसी का ही होता है फ्यू अ फ्यू और द फ्यू तो थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ होता क्या है अ लिटिल और द लिटिल का यूज आप अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और फ्यू फ्यू और द फ्यू का यूज हम काउंटेबल के लिए करते हैं अनकाउंटेबल क्या होता है जिसमें हम क्वांटिटी की बात करें और फ्यू इसमें काउंटेबल क्या होता है जिसमें हम आपका जो नंबर की बात करें तो इसमें आता तो आते हैं तो फ्यू का सबसे पहले आते हैं फ्यू के में यूज ऑफ फ्यू तो पहले फ्यू का मतलब क्या होता है समझ लें फ्यू का अर्थ होता है नकारात्मक नगण्य के लिए बिल्कुल ना के बराबर बिल्कुल कुछ भी नहीं ना और इस और आप व्यू का मतलब होता है कुछ थोड़ा बहुत जो होता है कुछ को कहते हैं और द व्यू जो भी थोड़ा सा है मतलब जो हमारे पास पहले से ही जो थोड़ा सा पड़ा हुआ है उसको कहेंगे द व्यू तो आइए हम थोड़ा इसके एग्जांपल पे जा रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो आते पहले यूज ऑफ फ्यू पे तो फ्यू के एग्जाम्पल देखेंगे फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी मतलब कुछ ही ना के बराबर लोग पूरे क्वेश्चन फुल्ली हैप्पी ना के बराबर लोग ही मतलब फ्यू पीपल तो इसमें आएगा फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी ना के बराबर लोग ही खुश हैं फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम द एनी डिजीज मतलब ना के बराबर लोग ही कोई ऐसे हैं जो आपके पूरे पूरी तरीके से डिजीजों से फ्री हैं मतलब फ्यू बिल्कुल फ्यू पीपल ना के बराबर नहीं अब आपका आता है जैसे हम नए स्टोरी पर सुने लेते हैं जैसे फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट्स इसका मतलब समझ रहे हैं ना के बराबर वुमेन ही है जो आपका सीक्रेट को रख सकती हैं बिल्कुल ना के बराबर मतलब है ही नहीं ऐसी ना के बराबर अब हम आते हैं यूज ऑफ अ फ्यू का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बहुत सारा नहीं नॉट मैनी बट थोड़ा सा जैसे आप अ लिटिल का मतलब क्या होता है नॉट मच उसी तरह इसमें क्या आएगा नॉट मैनी तो अब देखें जैसे यूज ऑफ अ फ्यू क्या होता है जैसे अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश मतलब कुछ ही लोग हैं थोड़े बहुत लोग ही हैं जो आपके करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं अ फ्यू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली मतलब कुछ ही थोड़े बहुत लोग हैं जो इंग्लिश को करेक्ट बोल सकते हैं तो इसमें थोड़े बहुत मतलब इसमें होता है थोड़ा बहुत होता है अब आपका आता है द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर आर मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है जो कुछ भी यही है जितना भी जो कुछ भी है यही है इसको कहेंगे इसमें यूज करेंगे इसका द फ्यू का जैसे यू में यूज करेंगे द फ्यू क्लॉज ही है द फ्यू क्लॉज ही है ऑल वर्ल्ड इन द फायर द फ्यू क्लॉज ही है ऑल वर्ल्ड इन फायर इसका मतलब ये है कि कुछ ही कपड़े थे उसके पास वो भी किस में जल गए आग में जल गए कुछ ही कपड़े द फ्यू क्लॉज ही है थोड़े से कपड़े कुछ ही कपड़े थे चार एक जोड़ी दो जोड़ तीन जोड़ वही कपड़े किसमें जल गए आपके फायर में जल गए तो इसी को इसमें क्या होगा आपका द फ्यू का अर्थ तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा फ्यू अ फ्यू द फ्यू का मीनिंग सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग